पल्ले नहीं तेला ते कादा मेला भी पैसों का खेल है अजकल तो आ 10-12 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग जड़े ने बहुत सारे जानी के 70% लोग यह ने जो 8,000-10,000 रुपये महीना कमाते हैं सारा टब्बर मिल के कमा भी कितने गुजारा नहीं होंगे जब मेले आ जाते तो बच्चों के खर्चे बढ़ जाते हैं माँ बाप अवॉइड करते हैं बच्चे ना ही मेला वेखन जा हर चीज़ महंगी होंगी है जेडे मेले के ठेकेदार ठेक से बड़ी जगह महंगी चढ़ाई होंगी इन्होंने तो अल्ले भाई तेनों अगे लंघ जा यार हाँ गड्डे घूम रहे तू भी चलो अगे वेखते यार मेला आ मेला विखाने थोनों अज असी आ फड़ ला माइक दरेसी का दशहरा मेला है यहाँ पर चलते चलते हम जहाँ भी पहुँच गए हैं और यहाँ पर भी झूठे लगे हुए हैं वो जो लाइटिंग वाला झूठा है ना बहुत लगता है मेरे को 100 रुपये से ज़्यादा होगा वो है 70 रुपये का वो पता नहीं है 70 रुपये का वो लाइट वाला झूठा है और जो प्राइवेट झूठे लगाने वाले वाले होते हैं ना जैसे वर्धमान के पास लगा उन्होंने डबल रेट रखे हुए हैं लेकिन वो देखिए झूले जहाँ पर लगे हुए हैं आज से नहीं 100 वर्ष से ऐसे जहाँ पर रंग बिरंगी लाइटें लगती हैं और झूले लगते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये प्रोफेशनलिज्म छोड़कर ये जो त्यौहार है इसे अपनी श्रद्धा से मनाएं और बच्चों में जो प्रचार करें कि राम कौन थे पहले मेघनाथ को जलाया जाता है या कुंभकर्ण को जलाया जाता है बच्चों को ये अभी नहीं पता किसी को भी कि रामलीला जो दिखानी चाहिए जैसे चरित्र बने हुए हैं जहाँ पर अभी देखिए रामायण वो दिखा रहे हैं वहाँ तो सब मोबाइल पर लोग देख ही लेते हैं यूट्यूब पर लेकिन जहाँ पर ये जो है हमारे जो धर्म के अनुयायी हैं धर्म का जो संचालन करते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि हमें कैसे करना चाहिए मेरे सामने ये खड़े हैं तुम की कहना चाहते हो इस बारे जो धर्म के उत्ते यानी प्रोफेशनलिज्म हो जा रहा वा अपने फोटो छुपाते हैं अपना यानी कि एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करते हैं धर्म का प्रचार घट करते हैं देखो सब की अपनी अपनी श्रद्धा अपना अपना किसी को धक्के ना करो खिच के लिए कह नहीं सकते ये बंदूक खा के ये मनो ये मनो जिन्हें जिनी श्रद्धा उन्नी श्रद्धा मनाओ पर इन्ना पता जिन्हें हिंदुस्तान रहना वा प्रभु राम जी ने मनना पेगा उन्होंने जो कहते हैं जो हिंदुस्तान में रहना तो राम को मानने पड़ेगा ये तो इनका विचार है तुसी की कहना चाहते हैं हेलो जय श्री राम तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो राम जी का त्यौहार है सब लोग हिंदू लोग इकट्ठे होकर के मनाए और दूसरा रामलीला कमेटी से आग्रह करूँगा कि ये जो पहले होता था उसी ढंग से किया जाए जैसे मान लो श्री राम विवाह के बारे में निमंत्रण पेपर दिया जाता था तो जो प्रेस और मीडिया को बुलाया जाता था आम पब्लिक को बुलाया जाता था तो विवाह की शादी जो बारात में शामिल किया जाता था लेकिन अब जैसे इन्होंने राम विवाह किया तो किसी को जहाँ तक कि मार्केट के लोगों को तक पहुँचने लगा कि शादी है राम विवाह की इसलिए मैं अपना जय श्री राम कहते हुए आपसे जो है रिक्वेस्ट फिर यही करूँगा कि अपना त्यौहार पहले की तरह जो शुरू से चला आ रहे हैं उसी ढंग से मनाया जाए जय श्री राम अच्छा कहते हैं कि जैसे पहले अपना त्यौहार मनाया जाता था 200 साल से पहले जो त्यौहार लग रहा है लुधियाना शहर में उसी तरह जो अभी जो त्यौहार मनाए तो देखिए जाने के कहने का मतलब है कि आजकल लोग जो है आजकल जब से फ्लैक्स लगी है ना होर्डिंग लगते हैं जब से भगवान की फ़ोटो थोड़ी छोटी सी लगी होती है 20 लोगों की फ़ोटो बड़ी लगी होती है अरे यार क्यों आप भगवान के नाम पर ये सब लोग करते हो राम के नाम पर क्यों अपना ये सब लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करते हो अपना नाम रोशन करते हो अरे भगवान तो देख ही रहे ना अगर भगवान को मानते हो तो फिर ये सब लोगों को आपको ये भुगतना ही पड़ेगा क्योंकि भगवान के नाम पर पैसा इकट्ठा करके आप लोग अपना विज्ञापन देते हो अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हो ये सही नहीं है ये देखो मेले में भी ऐसे है बच्चे आ रहे हैं किसी के पास 20 रुपये किसी 30 रुपये लेकिन पैसे जब तक पूरे नहीं होंगे वो झूले भी नहीं ले सकता बच्चे कहाँ जाएंगे जो पास वगैरह होते हैं अपने लोगों को देते हैं दूसरे लोग जो हैं दूसरे बच्चे हैं गरीब बच्चे देखते रह जाते हैं जैसे जो कमेटी वाले लोग होते हैं उनके बच्चे घूम के चले जाते हैं उनको फायदा भैया दूसरे लोग तो भैया आते हैं जो 10-12 हज़ार की नौकरी वाला वो कहाँ से पूरे करेगा चलिए हम एक और दशहरा देखते हैं चलकर